हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जज्बा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल जज्बा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कंप्यूटर पर आधारित योग्यताएं जो कंप्यूटर साइंस से होंगे। चलिए दोस्तों, तो हम देखेंगे आपसे, हम सिर्फ और सिर्फ इसमें आंसर बताएंगे और आप लोग पढ़ लीजिएगा इसका ऑप्शन। चलिए, ये हम टाइपिंग करेंगे और स्क्रीन शॉट लिए हैं, इसलिए थोड़ा सा धुंधलापन दिख रहा होगा। उससे कोई बात नहीं, आपको 40 क्वेश्चन हम सिर्फ 10 से 12 मिनट में बता देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर का अति आवश्यक अंग है दोस्तों, कंप्यूटर का अति आवश्यक अंग कौन सा है? तो हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किसी भी डायरेक्टरी को हटाने के लिए हम किस कमांड का प्रयोग करते हैं? दोस्तों, किसी भी डायरेक्टरी को हटाने के लिए हम किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ हम आरडी कमांड का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी सही होगा, आरडी कमांड। चलिए नेक्स्ट देखिए, नई फाइल बनाने के लिए हम किस कमांड का प्रयोग करते हैं? दोस्तों, नई फाइल बनाने के लिए हम किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो कॉपी कमांड का, ऑप्शन ए कॉपी कमांड। चलिए नेक्स्ट, इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजना तथा प्राप्त करना कहलाता है। तो दोस्तों, इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजना और प्राप्त करना कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि ईमेल। सब डायरेक्टरी को हटाने के लिए हम किस कमांड का प्रयोग करते हैं? दोस्तों, सब डायरेक्टरी को हटाने के लिए हम किस कमांड का प्रयोग करते हैं? दोस्तों, तो ये हम करते हैं रेन कमांड का, ऑप्शन बी सही होगा, रेन कमांड। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, MONTH मंथ नामक फाइल किस कमांड से समाप्त की जा सकती है? दोस्तों, तो मंथ नामक फाइल हमारा डेल कमांड से समाप्त की जा सकती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, फ्लॉपी को ड्राइव में लगाते समय सबसे पहले ट्रैक किस छिद्र के द्वारा बनाया जाता है? दोस्तों, तो फ्लॉपी को ड्राइव में लगाते समय सबसे पहले ट्रैक किस छिद्र में लगाया जाता है? दोस्तों, तो ये हमारा ऑप्शन इंडेक्स छिद्र में लगाया जाता है, ऑप्शन बी सही होगा, इंडेक्स छिद्र। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कंप्यूटर से संबंधित सभी सूचनाओं को साफ करने हेतु किस कमांड का प्रयोग किया जाए? दोस्तों, कंप्यूटर से संबंधित सभी सूचनाओं को साफ करने हेतु हम किस कमांड का प्रयोग करते हैं? दोस्तों, तो ऑप्शन सी CLS कमांड का, CLS कमांड ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्टार्ट मेनू में सबसे नीचे लिखा होता है, दोस्तों स्टार्ट मेनू में सबसे नीचे क्या लिखा होता है? तो हमारा शट डाउन लिखा होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यदि फाइलों को नया नाम देना हो तो किस कमांड का प्रयोग करते हैं? ये दोस्तों, यदि फाइलों का नया नाम देना हो तो किस कमांड का प्रयोग करते हैं? दोस्तों, तो इसमें रेन कमांड का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ये सही होगा, रेन कमांड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, एक्स कमांड का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, एक्स कमांड का पूरा नाम है एक्सटेंडेड कॉपी, याद रखिएगा दोस्तों, एक्सटेंडेड कॉपी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर के अंतर्गत ऐसा कौन सा संगठन है जो फ्लॉपी या हार्ड डिस्क पर बनाया जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर के अंतर्गत ऐसा कौन सा संगठन है जो फ्लॉपी या हार्ड डिस्क पर बनाया जाता है? दोस्तों, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑसेस फाइल संगठन, यानी कि ऑप्शन ये सही होगा, डायरेक्ट ऑसेस फाइल संगठन। नेक्स्ट देखिए, डाटा प्रोसेसिंग का प्रथम सोपान क्या है? दोस्तों, डाटा प्रोसेसिंग का प्रथम सोपान क्या है? डाटा प्रोसेसिंग का प्रथम सोपान है तथ्यों को प्राप्त करना, याद रखिएगा दोस्तों, तथ्यों को प्राप्त करना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अरेंज मेनू में कितने कमांड होते हैं? दोस्तों, अरेंज मेनू में कितने कमांड होते हैं? तो अरेंज मेनू में हमारा 11 कमांड होते हैं। नेक्स्ट देखिए, दस्तावेज रिकॉर्ड तथा फाइल आदि किस डाटा में के अंतर्गत आते हैं? दस्तावेज रिकॉर्ड तथा फाइल आदि किस डाटा के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों, तो ये हमारा शाब्दिक डाटा के अंतर्गत आते हैं, शाब्दिक, यानी कि सी। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर में किस की के द्वारा अक्षर कैपिटल रूप में परिवर्तित किया जाता है? तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कैप्स लॉक के द्वारा हम लोग कैपिटल अक्षर में लिख सकते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर हार्डवेयर को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है कंप्यूटर हार्डवेयर को, याद रखिएगा दोस्तों। किस के प्रयोग से नई पंक्ति या पैराग्राफ का आरंभ होता है? दोस्तों, किस के प्रयोग से नई पंक्ति या पैराग्राफ का
आरंभ होता है तो इंटर के से हम लोग जानते हैं कि पंक्ति या पैराग्राफ चेंज हो जाता है। सीपीयू संबंधित कितने प्रकार माने जाते हैं दोस्तों, सीपीयू संबंधित कितने प्रभाव प्रभाग माने जाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, सीपीयू संबंधित कितने प्रभाग माने जाते हैं, तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 प्रभाग। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कौन सी मेमोरी बाहरी उपकरणों से कंप्यूटर में डाली जाती है, दोस्तों कौन सी मेमोरी बाहरी उपकरणों से कंप्यूटर में डाली जाने वाली मेमोरी है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा द्वितीय या सहायक मेमोरी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय या सहायक मेमोरी। चलिए नेक्स्ट देखिए, पराबैंगनी प्रकाश की आवश्यकता किस मेमोरी को मिटाने के लिए आवश्यक है, दोस्तों पराबैंगनी प्रकाश की आवश्यकता किस मेमोरी को मिटाने के लिए आवश्यक है, तो यह हमारा ऑप्शन ई ई प्रोम यानी कि ऑप्शन ए में दिया है, ई ई प्रोम। किस डिस्क को इम्पैक्ट डिस्क भी कहते हैं दोस्तों, किस डिस्क को इम्पैक्ट डिस्क भी कहते हैं, तो दोस्तों यहाँ ऑप्टिकल डिस्क को हम लोग इम्पैक्ट डिस्क भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर शब्द का अर्थ है दोस्तों, कंप्यूटर शब्द का अर्थ है गणना करना, या इसको हिंदी में भी कहते हैं गणना के यंत्र या गणना करना। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक कंप्यूटर सिस्टम में कितने प्रमुख अंग है दोस्तों, एक कंप्यूटर सिस्टम में कितने प्रमुख अंग है, एक कंप्यूटर सिस्टम में 5 प्रमुख अंग है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर द्वारा ग्रहण किया जाने वाला डाटा कहलाता है दोस्तों, कंप्यूटर द्वारा ग्रहण किया जाने वाला डाटा क्या कहलाता है, तो इनपुट डाटा, ऑप्शन ए सही होगा, इनपुट डाटा। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस कमांड के प्रयोग से पैराग्राफ को आकर्षक व सुंदर बनाया जा सकता है, तो दोस्तों किस कमांड के प्रयोग से पैराग्राफ को आकर्षक व सुंदर बनाया जा सकता है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन ड्रॉप कैप होगा, जो सही होगा आंसर, ड्रॉप कैप। चलिए नेक्स्ट देखिए, मिनी कंप्यूटर का जन्म किस पीढ़ी में हुआ था दोस्तों, तो ये द्वितीय पीढ़ी में हुआ था मिनी कंप्यूटर का जन्म। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, क्रे वन यानी कि ऑप्शन ये सही हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिल गेट्स ने कंप्यूटर के किस हिस्से के बनाने में योगदान दिया था दोस्तों, बिल गेट्स ने कंप्यूटर के किस हिस्से को बनाने में योगदान दिया था, तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा PC DOS। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार के कंप्यूटर बैटरी से चलते हैं, तो दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन पोर्टेबल कंप्यूटर जो है ये बैटरी से चलता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किस कंप्यूटर का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ अनेक प्रयोगकर्ता एक ही डाटाबेस पर कार्य कर रहे होते हैं, तो यहाँ दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा मिनी कंप्यूटर यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर लैब के लिए आवश्यक तथ्य क्या है दोस्तों, कंप्यूटर लैब के लिए सूर्य का प्रकाश सीधा ना हो, सही है, सूर्य के मध्य दूरी हो, सही है, कमरा वातानुकूलित हो, सही है, उपयुक्त सभी यानी कि दोस्तों यहाँ ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा सही। किस कंप्यूटर में 1 सेकेंड में अरबों गणनाएं करने की क्षमता होती है, तो दोस्तों ये सभी जानते हैं किस कंप्यूटर में अरबों 1 सेकेंड में अरबों गणनाएं करने की क्षमता होती है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, ये सभी जानते हैं 1 सेकेंड में अरबों गणनाएं कर सकता है। माइक्रो कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, तो माइक्रो कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर का प्रभाव किस क्षेत्र पर देखा जाता है दोस्तों, कंप्यूटर का प्रभाव इन तीनों क्षेत्रों पर देखा जाता है यानी कि ऑप्शन डी जो है यहाँ सही होगा, प्रत्येक सभी क्षेत्र में। किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक ही व्यक्ति कंप्यूटर पर काम कर सकता है दोस्तों, किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक ही व्यक्ति कंप्यूटर पर काम कर सकता है, तो दोस्तों यहाँ रहा ऑडियो आउटपुट माइक्रोफिल्म यानी कि ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक्सेल में कितने प्रकार की एंट्री की जा सकती है दोस्तों, एक्सेल में कितने प्रकार की एंट्री की जा सकती है दोस्तों, तो एक्सेल में हम लोग
तीन प्रकार की एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विंडोज के किस भाग में आप अपनी फाइलें अप टू डेट करके यथावत रख सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा माई ब्रीफ केस, यानी कि माई ब्रीफ केस फाइल में हम लोग अप टू डेट करके फाइल को रख सकते हैं। कंप्यूटर पर किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के किस चीज़ को लोड करना पड़ता है? दोस्तों कंप्यूटर पर किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के किस चीज़ को लोड करना पड़ता है? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा एनकार्टा को। नेक्स्ट देखिए और लास्ट देखिए, कमांड देते समय हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं? दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन कि कमांड देने के लिए हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों हम कहते हैं सिंटैक्स, यानी कि सिंटैक्स। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इतने कम समय में इतना ज़्यादा क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हम ऐसा इतने भी अच्छा आपको वीडियो डालें तो आपको मिल सके टाइम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।